पीड़ित राशन यहाँ बटने थे, क्यों नहीं बटे हैं और जो लोग छूट गए हैं सर उनके लिए सर क्या व्यवस्था आपने किया है? ये आखिरी जानकारी के लिए बता दें, विकासखंड गैरतीपुर और विकासखंड भदौरा के कुल 17 ग्राम हमारे प्रभावित थे बाढ़ से, जिनमें हमने 16 गांवों में वितरण कर दिया है। ग्राम पंचायत रेवतीपुर में कल की तारीख में हमने 1656 लोगों को वितरण कर दिया है, मात्र 129 लोग रह गए हैं जिनको हमने चिन्हित किया है। इसके अलावा भी जो लोग यहाँ पर आए हैं जो कहने के साहब हम छूटे हुए हैं, उनकी सूचियाँ यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके माध्यम से हमें प्राप्त हुई हैं और उसकी भी हम जांच करा रहे हैं। आज और कल हम 2 दिन जांच करा करके तीसरे दिन हम यहाँ पे पुनः उनका जो शेष लोग हैं उनको हम वितरित करेंगे। कौन से ब्लॉक प्रमुख की बात कर रहे हैं सर? जो ब्लॉक वर्तमान निर्वाचित जो ब्लॉक प्रमुख हुए हैं उनके तरफ से भी इस ग्राम पंचायत के कुछ छूटे हुए लोगों की सूची भेजी गई है, तो उस सूची में जो उन्होंने नाम भेजा है उसका भी नाम हमारे इस वितरण सूची में शामिल है, उसकी हम जांच करा रहे हैं। जो अवशेष हैं जो पात्र रह गए हैं हम वितरण कराएंगे उनको। तो अभी सर अब कब बटने हैं? ये हम आज और कल 2 दिन पुनः जांच करा करके दिन शनिवार को हम इसका वितरण करेंगे। पात्रों को नहीं मिल पा रहे हैं सर और आप मुकदमा दर्ज कराने की बात करेंगे, ये कौन सी बात मतलब किस तरह सर? ये इसमें एक भी पात्र व्यक्ति नहीं छूटेगा जो बाढ़ से प्रभावित है और जो गलत लोग लेने का प्रयास करेंगे और जो उद्दंडता करेंगे निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसका सत्यापन कैसे करा पाएंगे, पात्र कौन है और अपात्र कौन है? ये हमारी सर्वे टीमें लगी हुई हैं हमारे यहाँ, हमारे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक बाहर से आए थे, लेखपालों की टीम बाहर से आई है और उनके माध्यम से पूरा गाँव हमने उन्हें सर्वे कराया है। उस सर्वे में यदि वास्तव रूप से कोई छूटा होगा तो उसको करेगा और कोई गलत व्यक्ति अगर उसमें है तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई उनके खिलाफ भी करेंगे। किस तरह कार्रवाई करेंगे? सामग्री जो शासकीय सामग्री ली गई है उसकी वापसी की कार्रवाई होगी।